हे गाइस, आप सबका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम आए वेस्ट वंडर पार्क, जो कि दिल्ली के अंदर है सरायकाले खां में, जो कि इसकी टिकट रहने वाली है 50 रुपये पर हेड। लेकिन गाइस, संडे को इसकी टिकट महंगी होती है और मंडे को ये गार्डन बंद होता है। तो जब भी आए ट्यूसडे से सैटरडे के बीच में आए तो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो चलते हैं पार्क के अंदर। पार्क के अंदर बच्चों के लिए भी काफ़ी फैसिलिटीज़ है, बच्चों के लिए झूले हैं, रेलगाड़ी है और भी बहुत सारे गेम्स हैं जो कि खेल सकते हैं, और कैंटीन भी है। तो गाइस, इस पार्क के अंदर हमें दिखाया गया दुनिया भर के 7 अजूबे, यानी कि 7 अजूबे गाइस। तो वो सारे 7 अजूबे आप दिल्ली के अंदर देख लेना। फ़िलहाल तो मैं स्कूटर चला लेता हूँ। अरे भाई साहब, इसमें अंदर तो बैटरी कुछ भी नहीं है। कोई नहीं, आगे चलते हैं। ये है पहला अजूबा। तो मैं डिटेल्स ज़्यादा नहीं बताऊँगा, आप सब खुद भी तो विज़िट करिए पार्क के बारे में और देखिए, बहुत प्यारी जगह है। और गर्मियों में आप शाम के टाइम आना तो ज़्यादा बेटर है। ये है दूसरा अजूबा। हमने सारे 7 के 7 अजूबे विज़िट किए दोस्तों, बड़ा ही मज़ा आया। तो आप भी आना और ज़रूर देखना 7 के 7 अजूबे। तो आगे चलते हैं। ये क्या है? ओह माय गॉड, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा है दोस्तों। तो आगे चलते हैं। इसका तो नाम आप सबने सुना ही होगा। नहीं सुना? अरे आईफिल टावर पेरिस का। अरे ये तो बहुत फेमस है और लुक में इतना प्यारा बनाया गया ना। गाइस एक चीज़ बता दूँ मैं आपको, मतलब यहाँ पर जो काम किया गया ना, तो डैमेजेस चीज़ें, यानी पुराना लोहा, कबाड़, गाड़ियाँ पुरानी, उनको तोड़ मड़ोड़ के कैसे कैसे कर करके उनको इतना अच्छा बनाया गया है, जिससे कि मतलब तो वो पुरानी चीज़ें यूज़ हो जाए। ये देख रहे हो गाइस, ताजमहल, मतलब ये तो हमारी शान है यार आगरा की। तो आगे चलते हैं। इसकी गाइस ऊँचाई शायद 100 मीटर है। काफ़ी मतलब काफ़ी ज़्यादा गेट्स है इसके अंदर। तो इनमें अंदर है ना, हमें जाने नहीं दिया गया है। अगर हम कोशिश भी करते हैं ना, तो गार्ड्स बिठा रखे हैं वहाँ पे, तो अलाउ नहीं करेंगे इसमें अंदर जाना। तो आप बाहर से ही फोटोग्राफी कर सकते हैं। ये देख लीजिए गाइस, ये देखो, कार में अंदर बंदे लोग बैठे हैं और कार है हवा में, यानी डायनासोर के अंदर कार घुसा रखी है। तो क्या क्रिएटिविटी है, मतलब जिसने बनाया है ना, एमसीडी वालों को सल्यूट है यार। ये देखो, मतलब पुरानी यादें ताज़ा कर दी हमारी। पुराने जितने भी डायनासोर्स थे ना, सब आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे बड़े बड़े डायनासोर और सब कुछ मिल जाएंगे देखने को। और बच्चे लोग इतना मज़ा कर रहे हैं, मतलब बच्चों के लिए तो बहुत बेस्ट पार्क है। आप अपनी फैमिली के साथ आए, बच्चों को ज़रूर लेके आए, क्योंकि उनके लिए झूले हैं यहाँ पर और वो ड्रैगन्स को देखेंगे जब, वो बहुत खुश हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। ये छोटी सी कैंटीन बना रखी है अंदर, यहाँ पर भी आप खा पी सकते हैं। ये देखो गाइस, मैं इसकी बात कर रहा था, मतलब डैमेज कार के ऊपर, जैसे आपने मूवी नहीं देखी डायनासोर की, वैसे बना रखा है कार के ऊपर, डायनासोर्स चढ़ रखे हैं, कार को ब्रेक कर रखा है उन्होंने ऐसे। ये काफ़ी ख़तरनाक डायनासोर हुआ करता था, लेकिन फ़िलहाल मैं इसे डरूंगा नहीं, क्योंकि ये तो मर चुके हैं। सिर्फ ये सब उनकी चीज़ें बनाई गई है। ये देखो गाइस, मैं झूला झूल रहा हूँ और इसी तरह मज़ा आने वाला है। ये फुल इन्जॉय किया गाइस मैंने, फुल ऑन इन्जॉय। तो आगे चलते हैं गाइस। ये वाला झूला है ना, मतलब काफ़ी ऊपर तक है, लेकिन इसमें ना जब बंदा आएगा ना, काफ़ी स्लो आता है। मैं मतलब मेरे को इतना टाइम लग गया नीचे आने में, बड़ा अजीब लग रहा था कि मैं कब नीचे पहुंचूंगा, मतलब बहुत स्लो था प्रोसेस इसका। ये देखो गाइस, मैं पहुंच गया नीचे। गाइस यहाँ पर आके तो ख़त्म हो जाता है पार्क। और ये है हमारी छोटी सी प्यारी सी कैंटीन। तो यहाँ पर आप इंजॉय कर सकते हैं फूड।